मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर द्वारा जारी निर्देश के पालन में अनिल कुमार भाटिया प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा मीनल श्रीवास्तव सचिव एवं ऋतु प्रजापति जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ बीएस बिसूरिया जिला शिक्षा अधिकारी तथा लखन सिंह मकवाना जिला समन्वयक यूनिसेफ की उपस्थिति में जिला राजगढ़ क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य खंड विकास अधिकारियों संकुल प्रभारियों जन शिक्षक व शिक्षकों के साथ ऑनलाइन माध्यम से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक संचालित किए जाने वाले बाल संवर्धन एवं संरक्षण अभियान का शुभारंभ कर प्राथमिकता के तौर पर नवीन शिक्षा सत्र में स्कूलों में प्रवेश अभियान पर अधिक बल दिए जाने के फलस्वरूप जिले के समस्त ऐसे बच्चे जिन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और गरीबी घर से स्कूल दूर होने गृहकार खेती किसानी में सहयोग करने घर के संचालन हेतु किसी व्यवसाय में संलग्न होने आदि जैसे कारणों से शिक्षा बीच में ही अधूरी छोड़ दी है उन्हें यथासंभव शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर पुनः प्रवेश पर जोर दिए जाने तथा नवीन बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराए जाने के बारे में विशेष प्रयास करने व शत प्रतिशत सफलता प्राप्त करने हेतु बताया गया। इस बाबत यह व्यक्त किया गया कि धरातल पर ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए ताकि इस अभियान के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा हो। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रेषित कार्य योजना अनुसार 1 जुलाई से 7 जुलाई तक बाल संरक्षण एवं संवर्धन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ श्रीमान अनिल कुमार भाटिया के निर्देशन में कल दिनांक 1 जुलाई को सभी शिक्षा विभाग के समन्वय से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में अन्य सभी स्कूलों के प्राचार्य जिला संकुल अधिकारी और उनके शिक्षा अधिकारी वगैरह को शामिल कर उन्हें एक निर्देश दिया गया है कि 1 से 7 जुलाई तक शाला त्यागी बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें चिन्हित करना है और न केवल उन्हें चिन्हित करना है वरन उनका शाला में पुनः प्रवेश भी कराना है। इस हेतु PLV की सहायता भी ली जा रही है। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।